नाजरीन आदाब, फोर की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। तेलंगाना में दसवीं जमात के इम्तिहानात के शेड्यूल हुए जारी। वाजिर है कि इस साल तलबा के लिए सिर्फ 6 इम्तिहानात होंगे। ये इम्तिहानात 17 मई से 26 मई तक होंगे। इम्तिहान का वक्त सुबह 9:30 से दोपहर 12:45 तक रखा गया। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 157 नए केसेस हुए दर्ज। वहीं जीएचएमसी हदूद में 27 नए केसेस हुए दर्ज। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि कोरोना के टीके से अब तक किसी की भी मौत नहीं हुई है और मुल्क भर में 19 अफराद फौत हो गए हैं, लेकिन उन तमाम में से कोई ऐसा सबूत नहीं है कि इनकी मौत कोरोना के टीके की वजह से हुई है। राज्यसभा के मरकज़ वज़ीर सेहत अश्वनी कुमार ने बताया। रियासत तेलंगाना के ज़िला वरंगल में एक कार नहर में गिर पड़ी, 2 अफराद की हुई मौत, एक शख्स पानी में बह गया, मुकामी अवाम ने ड्राइवर को बचा लिया। अब ट्रैफिक पुलिस की नज़र ऑटो वालों पर। चारमीनार ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर ने आज ऑटो में लाउड स्पीकर लगाकर ऑटो चलाने वालों के ऑटो में से स्पीकर निकाल लिया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वार्निंग उन दुकानदारों पर जो अपना सामान दुकान के सामने फुटपाथ पर रखकर कारोबार करते हैं। अब जीएचएमसी उस सामान को जब्त करेगी और दुकानदारों पर चालान करेगी।